आज हम इंस्टेंट दाल तड़का बनाने जा रहे हैं। मैंने कुकर ले लिया है, उसमें तेल डाल दिया है। आधा घंटा पहले दाल भिगो के रख दी थी, उसको इसमें डाल देंगे। कोई भी दाल आप डाल सकते हैं, हमने अरहर की दाल डाली है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, लहसुन अदरक डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, मिर्ची डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, लौंग डाल देंगे, बड़ी इलायची क्रश करके डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे। अब इसमें हमने जितनी दाल ली है उसका 3 गुना पानी डाल देंगे। टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसको चला देंगे अच्छे से। दाल चला के लीड लगा देंगे। अब इसको गैस पे रख देंगे, 4-5 सीटी लगा लेंगे। अब मेरी 4-5 सीटियाँ आ गई हैं। अब गैस ऑफ कर देंगे। अब ठंडा हो जाएगा तब तड़का लगाएंगे। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। एक पैन में घी ले लिया है, दाल खोल ली है। अब इसको मथनी से मथ देंगे। घी में जीरा डाल देंगे, लाल मिर्ची डाल देंगे, करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता स्वादानुसार आप डाल सकते हैं। और लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल दी है, लाल मिर्ची डाल दी, धनिया पाउडर डाल दिया, गरम मसाला डाल देंगे। अब तड़का पक गया है, इसको छौंक लगा देंगे। अब इसमें हरी धनिया डाल के गार्निश कर देंगे। अब
अब दाल रेडी हो गई है। अब इसको चावल रोटी के साथ सर्व करेंगे।